झारखंड में चोरी के माल पर बवाल मचा है और यह बवाल तब मचा है जब सिमडेगा एसपी और बांसजोर के थानेदार का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। आज तमाम समाचार पत्रों में भी यह खबर छपी थी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में हुए चोरी का करीब 80 लाख का माल सिमडेगा में बरामद हुआ था और इस मामले में बांसजोर के जो थानेदार थे आशीष कुमार, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन जेल जाने के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ है और बताया ये जा रहा है कि यह बातचीत आशीष, जो बांसजोर के थानेदार हैं, और सिमडेगा के एसपी शम्स के बीच की है और जिसमें कुछ माल रखने और शैडो एफआईआर और तमाम तरह की बातें आई है। हमारे साथ इस वक्त आशीष, जो बांसजोर के थानेदार हैं और फिलहाल जेल में हैं, उनके परिजन हैं। ये क्या मामला है? बताया जा रहा है कि बुरा घालमेल किए थे और यही वजह है कि जेल। ये मामला श्रीमान ये है कि 3 तारीख को मेरे पास भाई फ़ोन किया था, 3 अक्टूबर को फ़ोन किया था कि भैया सोना चांदी पकड़ाया है। तो हम उसे पूछे थे सोना चांदी, कहा भैया सोना लेके तो भाग गया, चांदी पकड़ाया है। तो हम बोले कि आप पकड़े भाई, तो भाई बोला कि नहीं, हम नहीं पकड़े हैं, हम 1 घंटा के बाद पहुँचे थे। तो उसके बाद बोला भाई कि सोना लेके तो भाग गया, चांदी बरामद हुआ है। तो हम उसको बोले कि ठीक है भाई, अगर वो पकड़ाया है तो आप उसको जेल भेज दो। तो वो कहा कि हम एसपी साहब को सूचना दे दिए हैं, मगर एसपी साहब को सूचना दिए तो हम उसके पास कल भी फ़ोन किए थे कि पकड़ाया है तो उसको जेल भेज दो, मगर कहना एसपी साहब बोले अभी नहीं जेल भेजने के लिए। ये 4 को 5 को रखे रह गए, जहाँ तक हम वहाँ से बोले कि देखो भाई अपना नौकरी बचाओ, किसी के कहने पर नहीं जाओ, वो बात बोला। तो वो बोले कि नहीं एसपी साहब, हमको तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, हमारे गार्जियन स्वरूप एसपी साहब जो दिशा निर्देश देंगे वही काम करेंगे। उसके कहने पर वो रख लिया और उसके बाद FIR भी नहीं किया, स्टेशन डायरी भी उनसे नहीं करवाएं। और उसके बाद फिर कहता है कि क्या बोलते हैं कि वादी आप ही बन जाओ, वादी वो नहीं था घटना का, उसको एसपी साहब वादी अपने कहने पर बनाए हैं, ये आप उसके से पता चल जाएगा। उसके बाद जब FIR हुआ, उसके बाद हमको तो नहीं बताया भाई कि हमारे साथ क्या हुआ। पता हम मुझे चला कि 14 तारीख को जब हम भाई से बात किए तो मेरा भाई अपसेट रहता था। मैंने पूछा भाई कुछ बात है बताओ, तो बोला भैया हमको सस्पेंड कर दिए। कल किस जुर्म में? तो बोला भैया हमको फंसा दिए। तो भाई मेरा बोला कि 10 तारीख से हम सस्पेंड हैं। तो हम कहें कि जब 10 तारीख से आप सस्पेंड है भाई, तो हम कहें पता करने के बाद, तो हम कहें कैसे पता किया जाए, किसी से बातचीत भी नहीं हो रहा। तो पता चला भाई बोला कि किसी से माध्यम से पता चला कि 16 तारीख से भाई मेरा मोबाइल बंद रहेगा। तो 17 तारीख से पुलिस लाइन में उसको रखा गया, 17 से 24 के बीच। उसके बीच में इसके साथ बहुत सारा जो अत्याचार हुआ, हम अत्याचार को हमको बताया कि एस आई टी टीम को भी हो सकता बताया, मगर SIT टीम लोकल स्तरीय SIT टीम थी जो कि सम तबरेज सर एसपी साहब के दिशा निर्देश पर चल रही थी, उसको वास्तविकता बताया, मगर एसपी साहब ये वह SIT टीम नहीं मानी। और उसको जबरन उसको ये भी बोले एसपी साहब या वहाँ की टीम बोली है कि आप अपने पर जुर्म अपने पर ले लो, हम उससे काम कराएं। उसका जबरदस्ती जुर्म लिया गया है, वो शायद फुटेज में क्लियर हो जाएगा, जो पुलिस लाइन के जिसमें MB शाखा में रखा गया था उसमें एक छोटा सा कमरा में उसको रखा गया था जिसमें कि CCTV कैमरा रखा गया है। आज हम DGP ऑफिस में भी गए, CM ऑफिस गए, ADG CID के अनुसंधान के पास भी गए, वहाँ भी लेटर दिए हैं कि श्रीमान जो भी उसके पास फुटेज में है वो निकाला जाए। प्लस उसके बाद हमको पता चला कि आशीष का मोबाइल जब्त हो गया, मगर उसने मेरे से भाई बताया था कि भाई मेरा एक मोबाइल है, उसमें बहुत सारा एविडेंस है, आप किसी तरह से उसको ले जाओ नहीं तो यहाँ से सच गिलेट कर देंगे। वो मोबाइल मैंने ले गया तो मुझे पता चला कि उस मोबाइल में एसपी साहब की रिकॉर्डिंग है। हम उसको बारी बारी से सुना, उसमें एक रिकॉर्डिंग ऐसा मिला जहां पर एसपी साहब कह रहे हैं, हम दावे के साथ नहीं करेंगे एसपी साहब के तो अनुसंधान का विषय है FSL में, मगर वहां पर एसपी साहब बोल रहे हैं कि थोड़ा से इसमें निकाल लो, तो थोड़ा से निकाल लो बताइए। वरीय पदाधिकारी का आदेश होता है कि दिशा निर्देश सही दें, और उसको जबरदस्ती करके और उसको 24 तारीख को अपने बयान पर बरामदी करा के और मेरे भाई को जेल भेज दिए। मतलब कि आपके अनुसार आप अपने मोबाइल भाई के मोबाइल में जो ऑडियो सुने उसमें SP बोल रहे हैं कि जो चोरी का माल बरामद हुआ है 80 लाख रुपए का उसमें से कुछ निकाल, उसमें सब बोल रहे हैं कि आप लोग भी सुनिएगा श्रीमान, हम तो सबसे कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग सुने एक छोटा कर्मचारी का दर्द क्या होता है। उसमें एसपी साहब खुद बोल रहे हैं, ये तो हम कह सकते हैं कि एसपी साहब की आवाज़ है, मगर FSL रिपोर्ट बताएगी। जहाँ तक वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा से रख लो, और उसके बाद भी कुछ बोले हैं जरा से वो बात, मगर मेरा भाई समझ नहीं पाया। उसके बाद व्हाट्सएप पर भी कॉल सारा बहुत सारा हुआ जिसका स्क्रीनशॉट मैं दिया हूँ, सब चीज़ बात कॉल रिकॉल में नहीं हो सकती, मगर ये आवाज़ आ गई। अब मेरे भाई को ये पता नहीं था
कि एसपी साहब की आवाज़ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड दर्ज हो चुकी है, कहा उसको इतना टाइम नहीं मिला। डीआईजी साहब मेरे भाई से पूछताछ भी की है, मगर मेरे भाई एसपी साहब के दबाव में कुछ नहीं बताया। अगर एसपी साहब के, अगर आशीष को, मेरे आशीष के मोबाइल में अगर ये बात दर्ज था रिकॉर्डिंग में कि कुछ रख लो, तो उस समय डीआईजी साहब को जरूर बताता, कहा उसके पास एविडेंस नहीं था। जेल जाने के बाद उसको पता चला कि इसमें एविडेंस है, तब हमको पता चला, तब किसी परिजन के माध्यम से हम उसको भेजवाए हैं और बाकायदा जब्ती सूची लेके, और सीएम साहब या डीजीपी महोदय से हम आग्रह करते हैं कि श्रीमान जो सच्चाई है उसको, सच को सामने लाया जाए, और मेरा जो भी हो आशीष कुमार जो निर्दोष है उसको प्लीज़ उसको वापस लाया जाए, और जो दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं श्रीमान से आग्रह करता हूँ कि बिना निवेदन करता हूँ कि मेरे जो आशीष कुमार जो अभी जेल में है उसको बाहर किया जाए, बस मेरी आग्रह यही है। और पत्रकार मीडिया से हम आग्रह करते हैं कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। क्यों लग रहा है कि आपके भाई को फंसाया गया? भाई को इसलिए लग रहा है कि जब वो मानता था कि मेरे गार्जियन स्वरूप मेरे हैं, उनसे चियाजी ने उससे जबरदस्ती करवाए हैं, क्या करवाए हैं वो तो और भी पता चलेगा, जो मेरे ऑडियो क्लिप में उसी जो मोबाइल में उसमें है बहुत सारा सबूत है। अगर वो और भी अच्छा से जांच होगा, एसपी साहब के मोबाइल का भी जांच होगा, तो उसमें सच्चाई बहुत कुछ सामने आ जाएगी। आपने बताया कि आपके जो भाई हैं वो आपको बताते थे, पुलिस का जो अनुसंधान का विषय होता है वो बहुत गोपनीय होता है, तो वो आपसे डिस्कस क्यों करते? डिस्कस नहीं करते थे, हम लोग श्रीमान खाली इतना पूछे थे कि क्या भाई, बस इतना बताएं कि भाई पकड़ा है, वो तो सब जनरली कोई भी बता सकता है। क्या काम हुआ कि बस इसी तरह से पूछ लिए अपना भाई क्या हुआ, आप नए नए प्रभारी हम पूछ लिए भाई आराम से करना ये भी, तो वो बताए थे कि ऐसा ऐसा हुआ बस, और कुछ नहीं बताते थे कि कितना पकड़ा है कितना हम भी नहीं जानते हैं, ये सब हम नहीं जानते हैं। इन पर जो आशीष पर आरोप लगा वो क्या लगा कि 80 लाख में कितना का माल रखा? इन पर आरोप लगा है कि 10 किलो जो चांदी जो इनके कहने पर बरामद हुआ, ये आप स्वीकृति बयान में जो वहाँ फुटेज लिया गया है उसको आप सर्च कीजिएगा, पता चलेगा कि उसके साथ क्या चीज़ हुआ है वहाँ पर। वहाँ पर अगर आप फुटेज निकाल लीजिएगा तो वहाँ पर बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, वो केस साफ हो जाएगा। वहाँ पर एसआईटी टीम एसपी साहब के दबाव में आकर बयान पलट के मेरे भाई या जो आशीष कुमार के नाम पर डाल दिया। तो आप लोग एसपी से मिले नहीं, बोले नहीं कि ऐसा ऐसा? एसपी साहब से हम मिले थे, एसपी साहब से हम मिले थे आगे 25 तारीख को, मगर एसपी साहब यही बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उस समय अगर हमको करता तो ऑडियो रहता, क्लिप रहता, तो हम एसपी साहब को सुना देते उसी समय। उस समय नहीं था, नहीं था मेरे पास वो एविडेंस, नहीं पता चला था। अच्छा, अभी जब सीआईडी में दिए तो क्या बोले? सीआईडी साहब बोले हैं, प्रशांत सर यही बोले हैं, आज हम भी अखबार में पढ़े हैं, उसमें सीआईडी साहब यही बोले हैं कि अगर ये आवाज़ एसपी सर की सत्य पाई गई तो इसमें राज्य में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, ये सर बोले हैं। आज के न्यूज़ में भी है, दैनिक जागरण के न्यूज़ में देख सकते हैं। ये भी बोले हैं जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम लोग भी सुने अखबार में पढ़े, कि शैडो एफआईआर कर देना दोनों लोगों को जेल। हाँ, उसमें ये भी बात बोल रहे हैं कि दोनों आदमी को गोंद रख देना, जबकि भाई मेरा सब चीज़ बता रहा कि सर जैसा बोलिएगा हम वैसा करेंगे। उसमें बोल रहे हैं कि दो आदमी को गोंद रख जाओ, एफआईआर लेट कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, स्टेशन डायरी एंट्री 3 ही तक करना, उसके बाद नहीं किया, वो सब उनके मर्जी से हुआ है, एसपी साहब की मर्जी से हुआ है, वो आपको ऑडियो में साफ क्लिप पता चल जाएगी। जो आपके भाई पर चार्जेज लगाए गए हैं वो घालमेल और तमाम, हाँ वही सब पर भी खतरा है। देखिए श्रीमान, अगर सच आती है तो उसको नौकरी से कुछ नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमको इतना तो कई आरोप लगा दिए। अब वो सस्पेंड में है, जेल में है। अच्छा, जेल सस्पेंड होकर जेल में रहे हैं कि ये सब। हम लोग बस आप लोग श्रीमान और डीजी साहब महोदय और सीएम साहब से हम आग्रह करते हैं कि जो सच है उसको सामना ना जाए, और मेरे जो निर्दोष आशीष कुमार है उसको बाहर किया जाए और नौकरी पर फिर से जल्दी से रखा जाए। बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि पूरा मामला जो है सीआईडी के अनुसंधान में है और सीआईडी तमाम मामलों की जांच कर रही है, और जो लोग भी ये सबूत पेश कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑडियो है जिसमें कि एसपी बांसजोर के थानेदार आशीष से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसमें से कुछ रख लो, शैडो एफआईआर कर लो, अभी जेल मत भेजो, तो इन तमाम बातों की जो है जाँच अभी चल रही है, सीआईडी अपने स्तर से जाँच कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि जो चोरी का माल पकड़ा गया था, करीब 80 लाख रुपये का सोना और चांदी, उसमें कुछ घालमेल है, और यही वजह है कि जो थानेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो जेल गए हैं। और अब जो नया मामला इसमें सामने आ रहा है कि जो परिजनों का आरोप है कि इसमें एसपी की भी संलिप्तता है, और एसपी खुद बचने के लिए थानेदार को इस मामले में फंसा रहे हैं। हालांकि क्या निकल कर सामने आता है ये जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। www.thefollowup.in